हेलो दोस्तों, जावड़ से की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो घंटी दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो में अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जो सर्कल में काले बटन दिख रहे हैं उसको दबाकर नीला कर दीजिए, बस 50 लाइक दे दीजिए ताकि डेली नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई हुई है दुबई के लिए आई हुई है, डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू जमशेदपुर में होगा 11 दिसंबर को। पोजीशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन फोरमैन, इंस्टॉलेशन चार्ज हैंड, इंसुलेटर पाइप, कोल्ड लाइन हार्ड लाइन दोनों के लिए अभी सैलरी भी आपके सामने है और कांटेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी आपके सामने। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके जानने में कोई है तो वीडियो को उस तक शेयर कर दीजिए। अगली जो वैकेंसी आई सऊदी अरेबिया के लिए आई हुई है जमशेदपुर में, इसका भी इंटरव्यू होगा। 5 फीटर पाइप फैब्रिकेटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फिटर, कांटेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, सारी चीज़ आपके सामने। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके जानने में कोई है तो उसको वीडियो उस तक शेयर कर दीजिए। अगली जो वैकेंसी आई हुई है HSC सुपरवाइजर, ट्रेनिंग सुपरवाइजर, मैकेनिकल सुपरवाइजर, HVAC इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल फोरमैन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर, इंस्ट्रूमेंट सीनियर टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, फायर एंड गैस इंजीनियर, और भी तमाम पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो वीडियो को HVAC इंजीनियर की पोजीशन भी है और सैलरी भी और टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आपके सामने ईमेल आईडी अपडेटेड और रिज्यूम अपना सेंड कर दीजिए। अगर आपके जानने में कोई तो वीडियो उस तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक मुझे कमेंट के जरिए दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। डेली जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस जॉब का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर कुछ क्लियर नहीं होता मुझसे कमेंट करिए, मैं क्लियर करके कमेंट में रिप्लाई में दे दूंगा।